भी पता चल गया होगा एंड आप सभी लोग भी मेरे फेवरेट हैं, इसीलिए हमेशा आपके लिए लेकर आती हूँ नए नए रिकमेंडेशन। आज भी कुछ ऐसा ही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर योर प्राइवेट पार्टीज एंड इवन इफ यू वांट टू स्पेंड सम लवली टाइम विद योर फैमिली। आज महाबलेश्वर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक वंडरफुल 5 BHK विला विद एन इंडोर स्विमिंग पूल। वेलकम टू लाइफ एंड लीजर एंड वेलकम टू द शिवाजी विला इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र। जैसे ही आप शिवाजीज विला में एंटर करते हो, आपको दिखेगा ये ह्यूज सा लिविंग एरिया। यहाँ पर आपको बैठने के लिए कंफर्टेबल सा सोफा भी है, रेस्टिंग चेयर भी है, डाइनिंग एरिया है, स्मार्ट टीवी इज देयर, ऑफ कोर्स पूरे विला में वाईफाई है। द बेस्ट थिंग इज दिस, अगर आप ऊपर सीलिंग में देखोगे तो आपको ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने मिलेंगे। यहाँ पर एक पियानो है, देन देयर इज अ गिटार, 4 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट इज नथिंग बट अ ट्रीट टू आवर आईज। इनकी खास बात जो है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी, बट ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे 2 bedrooms। हेलो देयर, दिस इज बेडरूम नंबर 1, एक कॉमन वॉशरूम है एंड बेडरूम नंबर 2, जिसकी डिटेल टूर भी मैं आपको दूंगी। आपका होने वाला है स्टे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 bedrooms मिल जाएंगे, यहाँ पर भी आपको एक लिविंग एरिया मिल जाएगा, देयर इज अ फ्रिज, स्मार्ट टीवी, इतनी सारी स्पेस है। यहाँ पर आप उनका पोर्टेबल म्यूजिक सिस्टम लेकर डांस कर सकते हो, पार्टी सेटअप कर सकते हो। समटाइम्स ना ऐसे विलास देखकर मुझे रिग्रेट होता है कि मेरा बड़ा ग्रुप क्यों नहीं है, बट अगर आपका होगा तो डेफिनेटली वो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ये है ऊपर की बेडरूम नंबर 1, काफी कंफर्टेबल है एंड यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस भी है। हर बेडरूम मास्टर बेडरूम है, दैट मींस अटैच्ड वॉशरूम है एंड उसी के साथ साथ टीवी भी। हेलो देयर, बेडरूम नंबर 2 ऑन फर्स्ट फ्लोर इज माय फेवरेट, आई मीन लुक एट दैट, इतनी कोजी एंड कंफर्टेबल लग रही है। ये येलो कलर की वजह से ये काफी वार्म भी लग रही है, ऊपर का सीलिंग भी, आई एम इन लव, वाओ। बेडरूम नंबर 3 भी आपको क्विकली दिखा देती हूँ। बाय द वे यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम भी है एंड ये है बेडरूम नंबर 3। यहाँ से भी एक जबरदस्त सा वैली का व्यू दिखता है, बट अभी फिलहाल वो बंद है बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, बट यहाँ पर भी आपको ढेर सारा स्टोरेज मिल जाएगा। देन देयर इज अ मिरर एंड ओ माय गॉड, दिस एवरीथिंग एट दिस प्राइस रेंज इज अमेजिंग। आप यहाँ पर कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे, वो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। जैसे अब मैं जाने वाली हूँ, क्विकली दिखा देती हूँ। पानी में ठंडे ठंडे मौसम में स्विम करने के बाद चाय और पकोड़ा बिल्कुल भी मिस मत करना, ये उनके फूड पैकेजेस में ही आता है। हाउएवर BBQ आपको ऑन डिमांड मिल जाएगा, बट इनका BBQ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आई वॉज लकी इनफ कि मुझे थोड़ा सा BBQ हैंडल करने मिल गया। वैसे तो मैं फूड के मामले में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में, बट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज ओवरऑल यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जैसे आप देख सकते हो टेबल सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया था एंड एकदम ही रॉयल फीलिंग आ रही थी, ट्रस्ट मी। Thank you.
यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स के साथ रहकर इस विला में चिल करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो इनकी खास बात है वो थी ये द इंडोर स्विमिंग पूल। आई मीन महाबलेश्वर की ठंडी में अगर आपको इंडोर स्विमिंग पूल जैसा कुछ मिल जाए तो आहा, और क्या ही चाहिए। मुझे तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी काफी अच्छी लगी, द फूड वॉज ग्रेट इवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना कि आप शिवाजी विला में कब आना चाहोगे, किसके साथ आना चाहोगे। शेयर करना इस वीडियो को उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिन्हें महाबलेश्वर आना बहुत पसंद आएगा, एंड इन फैक्ट इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी में रहना भी, चिल करना भी, एंड यहां पर स्विम करना भी। सब्सक्राइब कर देना लाइफ पर लीजिए को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए रिकमेंडेशन के साथ। बाय।